हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। ये हम जो एक सीरीज़ है हमारी एप्टीट्यूड वाली, उसी को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम एलसीएम और एससीएफ पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम और एससीएफ पढ़ने के बाद फ़ायदा यह है कि इससे हमारे काफ़ी टॉपिक्स हैं वो कनेक्टेड हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, ठीक है। फिर सर्कुलर आपके ट्रैक्स हो गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इसके बाद कवर करेंगे। और आपका एप्टीट्यूड, जो आपका पेपर है, एप्टीट्यूड मतलब जो मैथमेटिक्स वाला पेपर है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले आपका एलसीएम और एससीएफ क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले मैं इसमें 10 वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। वो आप 10 वीडियो जो है उसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अगर देखें हम, तो ये वाला टॉपिक तो अभी मैंने लिया नहीं है, लीनियर इक्वेशंस में आगे पढ़ाऊंगा। ये देखिए, 10 वीडियोज़ में मैं आपका क्या क्या कवर कर चुका हूँ। एक आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब निकालना आना चाहिए। तो आप मेरे जो 10 वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, आप जाओगे ना एप्टीट्यूड वाली में मेरे चैनल पे, ये आपको सारे की सारी ये डिटेल्स में, मतलब कि डिटेल में मिल जाएंगे सारे फॉर्मूले कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर ये एक बार सारे वीडियोस देख लेंगे ना, जो 10 वीडियोस मैंने डाले हैं, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। आपको लगेगा जैसे आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी कुछ आता है। और ये 10 वीडियोस देख लो आप, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये देख लो, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है, वो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ओके। तो ये देखो आप, हमारी सीरीज़ क्या है, एप्टीट्यूड फॉर यूपीएससी, पीएससी यानी आपका जेके पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, बैंकिंग, एसएससी, नेट, जीआरएफ, अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, और ईपीएफ हो, इन सब के लिए ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से बेसिक शुरू किया था, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये आप मेरे जो 10 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कहाँ तक कवर कर लिया है, ये सारे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, ओके। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इसमें ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं अलग अलग तरीके से। जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, ऑप्शन मेथड है, जो मैंने डिवाइस किया ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो आप एक बार इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये इसलिए नहीं है कि इससे मुझे कुछ मिलने वाला है, इससे आपको ही कुछ मिलेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस मैं अगली क्लास में लूँगा, पहले मैं आज एलसीएम और एससीएफ ले रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम और एससीएफ हम देख लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम और एससीएफ की थ्योरी देखें जो मैंने आपके लिए लिखा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम एंड एससीएफ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट एलसीएम इज द लाइफ लाइन फॉर सॉल्विंग एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे एप्टीट्यूड का मतलब है मैथमेटिक्स, ओके। अब यहाँ मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिखते, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिर फॉर्मूले बेस्ड हो जाते हैं, यहाँ पे एप्टीट्यूड है, ओके। एप्टीट्यूड मतलब फॉर्मूले बेस्ड नहीं होगी, होगी मैथमेटिक्स, नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, कोर फॉर्मूले नहीं लगेंगे। सो एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वेयर एज एससीएफ स्टैंड फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। एससीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखो, आपको पहले मल्टीपल और फैक्टर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स में डिफरेंस पता है, तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो, ये आपका एक टर्म हो गई मल्टीपल, ओके। आई विल प्रोवाइड यू स्लाइड्स, ओके, स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके फैक्टर्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, तो अगर आप सिंपल सा, मैं आपको लॉजिक समझाऊं इधर साइड में, जैसे मान लो मैंने दो वर्ड लिखे हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मैं 20, ओके, और दूसरा मैं लिखता हूँ मान लो यहाँ पे 10, ओके। एक 20 लिखा मैंने और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पे 10, ओके, इफ आई विल राइट 10, ओके। तो अब इसमें है क्या, ये 20 जो है, 20 में क्या आपके 10 का डिवाइड जाता है? बिल्कुल जाता है भाई, लेकिन क्या 10 में 20 का जाता है? नहीं जाता। तो आप ऐसे समझो, 10 20 को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर, ये फैक्टर है। और किसका फैक्टर है? ये 20 का, क्योंकि ये 20 को डिवाइड कर रहा है। और अब 20 किस किस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 20 में 10 का डिवाइड जा रहा है ना, तो जिसमें डिवाइड जा रहा है वो कहलाता है मल्टीपल, ओके। तो ये आपका 20 क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तो यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा,
फैक्टर आपका छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ लेके देखते हैं, जैसे टेन है, टेन को मैंने तोड़ दिया, तोड़ा कैसे, टू इंटू फाइव, ठीक है, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, टेन इंटू वन। अब देखो टेन में आपका टू का भी जाता है, फाइव का भी जाता है, टेन का भी जाता है, वन का भी जाता है, तो ये सारे टेन के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ओके, जो जो टेन को डिवाइड करेगी चीज वो टेन के फैक्टर्स होंगे। ओके, तो वन टू फाइव एंड टेन, ये सारे फैक्टर्स हैं टेन के, और टेन इन सब का मल्टीपल है। ओके, टेन को अगर मैं वन से, वन का बोलूँ तो वन इंटू टेन टेन आ जाएगा, टेन इंटू वन टेन आ जाएगा, फाइव इंटू टू टेन आ जाएगा, टू इंटू फाइव। तो ये सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि ये टेन को डिवाइड करते हैं, और टेन इन सब का मल्टीपल है क्योंकि टेन में इन सब का डिवीजन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, 24 वाला, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 24 को अगर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 इंटू वन लिख सकता हूँ, फिर 24 को मैंने 12 इंटू टू, फिर इसी को 6 इंटू टू इंटू टू, फिर इसी को 3 इंटू टू इंटू टू। हम बेसिकली प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं, प्राइम नंबर्स मतलब जो आगे ना टूट सके, तो इसमें मैंने तोड़ दिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कौन कौन से है, 3 है, 2 है, 6 है, 12 है, 24 है, 1 है। यहाँ पे अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे तो 8 भी है, जो सारी चीजें 24 को डिवाइड करते हैं, 24 को 1 1 भी डिवाइड कर देगा, 24 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 24 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 24 को 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 8 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, और 24 भी डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं बोलूँ इसके आपके फैक्टर्स कौन कौन से, तो 1 है, ठीक है, 2 है, फिर आपका ये 3 है, ओके, ये ना 3 3 है, फिर आपका 4 है, 4 कैसे होगा, 2 इंटू 2, 4 में 4 का भी जाता है ना। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आपका फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करता है, ओके, और आपका मल्टीपल वो होता है जिसमें डिवाइड जाता है। एक चीज और, कोई भी नंबर है, जैसे आपका 10 है, तो कोई भी नंबर होगा ना, तो उसके दो मल्टीपल, दो फैक्टर तो हमेशा होंगे। 10 है तो इसके दो फैक्टर तो हमेशा होंगे ही होंगे, एक तो ये खुद नंबर अपना 10 का, तो 10 में जाएगा ही, और दूसरा 1। ओके, तो 1 और जो नंबर खुद है उनका तो उसमें डिवाइड जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लूँ 13, अगर मैंने 13 ले लिया तो 13 में आपका, 13 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो किसी और चीज में टूट नहीं सकता। मैं बोलूँ 13 का 1 और दूसरा 13, इन दो का तो इसमें जाएगा ही जाएगा ना, तो यानी कि हम बोलेंगे कि 13 के दो फैक्टर हैं, 1 और 13, लेकिन इनके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनका 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, दे आर नोन एज प्राइम नंबर। ओके, तो इज इट क्लियर प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो यहां पे आपको हर नंबर को अगर आप तोड़ोगे, जैसे 3 है, 3 में 3 टूट सकता है आगे, नहीं, तो 3 आपका प्राइम नंबर है। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को, इवन कौन से होते हैं जिनमें 2 का जाता है, ऑड कौन से होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, और प्राइम कौन से होंगे जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो फैक्टर और आपको मल्टीपल क्लियर। अब देखो आपका एलसीएम में क्या वर्ड आ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे आपको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए मैंने आपको मल्टीपल वर्ड का मतलब बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे फैक्टर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब देखो इसके अलावा और वर्ड है यहां पे, हमें मल्टीपल तो चाहिए लेकिन कौन सा चाहिए, सबसे छोटा, और वो कॉमन हो सब में। कॉमन के लिए हमें मिनिमम दो नंबर चाहिए जिनमें हम कॉमन निकाल सकें। यहां पे हमें फैक्टर तो चाहिए लेकिन कौन सा चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैंने आपके लिए जैसे मान लो 10 और 20, एलसीएम और एससीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम जो तरीके हैं जो हम वो यूज करेंगे, पहला जो हमारा मेथड है एलसीएम, अभी एलसीएम पे कंसेंट्रेट करते हैं। एलसीएम निकालने का पहला हमारा मेथड है फैक्टर मेथड। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, एलसीएम नहीं निकाल पाओगे तो आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फैक्टर मेथड क्या करता है, कहता है कि आप फैक्टर्स में तोड़ दो। अभी बताया ना आपको फैक्टर्स में तोड़ना, यानी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो जो आगे ना टूट सके। जैसे 10 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए ना, क्योंकि कॉमन आपको निकालना है, तो 10 और 20 का निकालना है। तो आपने क्या किया, 10 को तोड़ा, तो 10 को अगर मैं तोड़ूंगा तो आप देखो 10 को किस तरीके से तोड़ सकते हो आप, 2 इंटू, ठीक है, इंटू 5 इंटू 1, 1 तो नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो अंडरस्टूड है। और अब ये क्या आगे टूट सकता है, नहीं, 2 भी आगे नहीं टूट सकता, 5 भी आगे नहीं टूट सकता। 20 को कैसे लिखोगे आप, 20 आपका टूटेगा, 10 तो पहले है ही,
2 × 2 × 5, ओके, इस तरह से टूटेगा, इससे आगे तो नहीं टूट सकता। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम के लिए आप देखो कि उनमें कॉमन क्या क्या चीज़ है। देखो 5 दोनों में कॉमन है, 5 है ना कॉमन, जो इसको फैक्टर बोलेंगे ना हम, ये 5 दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है ना उसकी हाई पावर, देखो 5 की पावर यहाँ पे भी 1 है, 5 की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो 5 को मैंने साइड में निकाल लिया। अब आप देखो दूसरा फैक्टर है 2, यहाँ पे 2 दो बार आया है, यहाँ पे 2 एक बार आया है, तो जो ज्यादा बार आया है वो वाला निकाल लो। तो दो बार आया यानी कि इसका मतलब कितना है, 5 × 2 स्क्वायर, ओके, तो 4 होता है वो, तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारे पास 20, ओके। तो सिंपल है, आप फैक्टर कर लो, फैक्टर करके देख लो कॉमन कौन कौन से हैं, उनकी हाईएस्ट पावर आप निकाल लो। ये आपका कहलाता है फैक्टर मेथड, ठीक है। यही वाला तरीका मैंने यहाँ पे आपका देख लिया कर दिया, 10 को तोड़ा, फिर आपका 20 को तोड़ा, और फिर दोनों में कॉमन निकाला, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 20, ठीक है। अभी ये सिंपल आपको समझ आ गया। अब डिवीजन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, ये फैक्टर मेथड हो गया तोड़ के। डिवीजन मेथड में क्या होता है, आप ऐसे लिख लो 10 और 20 को, मतलब जितने का जिनका भी एलसीएम निकालना है उनको लिख लो, और फिर उनमें डिवाइड दो आप, ठीक है। किससे शुरू करोगे, सबसे छोटे नंबर से, 2 से। 2 से डिवाइड किया तो इसमें कितनी बार गया, 5, इसमें 10 बार, फिर 2 का दोगे क्योंकि यहाँ पे 10 में तो जाएगा ना, फिर आपने दिया तो 5 और 5 आ गया। अब आपने 5 का दिया, यहाँ पे आपको लास्ट में 1 1 लाने, ठीक है, यहाँ पे 1 1 लाने। तो जब 1 1 आ जाए तो ये जितने नंबर है ना इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एलसीएम है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, ये आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं, ओके, इज इट क्लियर। अब देखो एक डायरेक्ट मेथड भी है, पहला आपका फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड, तीसरा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे मान लो दो नंबर है, आपका एक 10 है और दूसरा आपका 20 है, समझो ये दो नंबर है ना, ये है, इन्हीं का तो निकालना था। अब डायरेक्ट मेथड ये कहता है, देखो एलसीएम का मतलब क्या है, मैंने एलसीएम को बोला ना आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, यही मतलब है। तो अगर आप देखो तो आपको मल्टीपल निकालना है, मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जिसमें डिवाइड जाएगा। तो 10 और 20 का आपको निकालना है मल्टीपल, यानी ऐसा कोई नंबर जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए, 10 का भी चला जाए और 20 का भी चला जाए, क्योंकि दोनों के लिए आपने कॉमन निकालना है और वो भी लीस्ट निकालना है। अब देखो 10 और 20 में अगर आपका बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो आप सोचो मल्टीपल जो होगा वो कम से कम 20 या 20 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 20 से छोटा होगा तो उसमें 20 का कभी डिवाइड नहीं जाएगा। यानी जो मेरा मल्टीपल होगा वो हमेशा जो बड़ा नंबर है ना सबसे उनमें से वो होगा या उससे बड़ा होगा। अब देखो 10 और 20 में से मैं मान लेता हूँ 20 मेरा एलसीएम है, तो 20 में क्या 20 का जाता है, हाँ जाता है। क्या 20 में 10 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 20। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ओके। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जो एलसीएम होगा वो जो नंबर आपको दे रखा है, मान लो आपको 3 नंबर दे रखे हो, 10, दूसरा दे रखा है आपको 20 और तीसरा आपको दे रखा है मान लो 30, ओके, थर्ड इज योर 30, ओके, तीसरा आपको 30 नंबर दे रखा है। अब आप देखो तो इसमें जो एलसीएम होगा ये नंबर आपका सबसे बड़ा है ना, अगर इससे छोटा होगा तो उसमें 30 का कभी जा ही नहीं सकता, यानी एलसीएम या तो आपका 30 होगा या फिर 30 से कोई बड़ा नंबर होगा। अब 30 अगर मैं मान लूँ तो 30 में क्या 20 का जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब वो नंबर 30 से बड़ा है, तो 30 से कितना बड़ा है वो 30 का कोई मल्टीपल होगा। तो 30 का मल्टीपल क्या होगा, 30 का अगला मल्टीपल क्या है, 60। क्या 60 में 20 का जाता है, यस। क्या 10 का जाता है, यस। क्या 30 का जाता है, यस। सो 60 इज माई एलसीएम, दिस इज डायरेक्ट मेथड, ओके। तो एलसीएम जो होगा, देखो अब इधर देखते हैं, जैसे मान लो ये आपके 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर का, और हम जो यूज करते हैं ना वो आपका ये डिवीजन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। फैक्टर थोड़ा लेंदी है इसलिए हम डिवीजन करते हैं, अगर आपको नहीं आता ये डायरेक्ट मेथड तो आप डिवीजन यूज करो। देखो 3 नंबर है, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20, यानी आपका एलसीएम या तो 20 होना चाहिए या 20 से बड़ा नंबर कोई होगा इसका मल्टीपल। 20 में लेकिन 15 का जाता नहीं है, तो फिर अगला नंबर 20 का मल्टीपल क्या है, 40। लेकिन क्या 40 में 15 का जाता है, उसमें भी नहीं जाता। तो अगला 20 का मल्टीपल क्या, 60। 20 × 3 = 60, ऐसे चेक करते हैं। अब 60 में आपका 20 का भी जाता है,
15 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, तो यार एलसीएम इज 60। अब देखो अगर 60 में जा रहा है तो 60 के हर मल्टीपल में जाएगा, फिर 60 का अगला मल्टीपल क्या होता है 120, 120 में भी इन तीनों का जाएगा। तो हम एलसीएम 120 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें लीस्ट वाला लेना है, तो इसलिए 60 आपका एलसीएम आएगा। अब अगर आप डिवीजन मेथड से देखो तो मैंने कहा ना तीनों को लिख दो, 2 से डिवाइड किया तो 5, 15, 10, फिर 2 से किया, 2 से कब तक करते जाएंगे, जब तक यहाँ पे आपका कोई नंबर होगा जिसमें 2 का जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 5, 15 और 5 आ गया, अब तो 2 का नहीं जाएगा, तो फिर 3 से करेंगे, 3 से किया तो 5, जो जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसे का वैसा आप नीचे उतार लो, 15 में 5 टाइम जाएगा, फिर 5 का किया तो 1, 1, 1, अब आपका 1, 1, 1 आ गया, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर एलसीएम। तो वो कितना आ गया आपका 60, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से भी वही आया था, फैक्टर से निकालोगे तो भी वही आएगा, आपको डायरेक्ट मेथड आना चाहिए, ठीक है, टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली, या फिर आप इससे निकालो डायरेक्ट से, या फिर आप ये डिवीजन मेथड से निकालो, इट इज क्लियर। अब जैसे इसका निकालना है आपको 150, 180, 200, ठीक है। अब देखो आप इसमें अगर देखोगे तो इन सब में आपका जीरो कॉमन है सब जगह पे, यहाँ पे भी एक जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी एक जीरो कॉमन है, यहाँ पे भी एक जीरो कॉमन है, यानी आपका 10 तो आना ही आना है कॉमन, 10 कॉमन आना है ना, तो 10 को पहले ही साइड में निकाल लो, उसको बाद में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो भी आएगा। तो हम किसका निकाल लेते हैं 15, ये 15, 18 और 20, वही तरीका हमने निकाला, तो हमारे पास क्या आया आप निकाल के देख लेना, ये नंबर आया हमारे पास, तो इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया 180, लेकिन 10 कॉमन भी है पहले से, तो 10 से और मल्टीप्लाई होगा तो 1800 आएगा। ओके, तो आप भले से यहाँ पे आप 150, 180 और 200 भी रख के देख लो आपका एलसीएम क्या आएगा, 1800। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेंथी नंबर बड़े हैं ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि एलसीएम क्या आने वाला है। ओके, तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका है। अब एक क्या है आपका, जैसे ये है आपका नंबर, ये तो आपका फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन का एलसीएम आप कैसे लोगे, ठीक है। अभी एक तरीका समझो आप, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 32, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, तो आपको पता है 32 में आपका 8 का भी जाता है, 32 में आपका 4 का भी जाता है, 32 में आपका 2 का भी जाता है, ये सारे 32 के फैक्टर्स हैं। अब आपका अगर ये 32 में सबका जाता है तो आपका एलसीएम क्या हो गया 32, आपको नीचे वालों का एलसीएम लेना है, 2 का, 4 का, 8 का और 32 का, 32 सबसे बड़ा है ना, तो 32 में सबको जाता है तो 32 इनका एलसीएम हो गया, तो 32 अगर एलसीएम हो गया तो आपका एलसीएम 32 आ गया। अब आप फ्रैक्शन जब लिखोगे तो नीचे आपको 32 लिख देना है, वो एलसीएम आ गया। अब आपको ऊपर क्या लिखना है, देखो अगर नीचे 32 आया तो आपको इनको सबको 32 बनाना पड़ेगा, तो इसको 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और इसको 32 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, तो यहां पे भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 32 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो यहां पे भी आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे तो सब जगह 32 बना दिया ना, तो वो तो आ गया नीचे 32, ऊपर क्या आएगा 1 1 इंटू 16 16, 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 4 इज 4, तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे कर दी, और 1 तो यहाँ पे है ही, तो क्या आ गया मेरे पास 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया 29 डिवाइडेड बाई 32। तो इस तरह से फ्रैक्शन का निकालते हैं, एक और तरीका बताऊंगा फ्रैक्शन का निकालने का, अभी के लिए आपको ये याद रखना है। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम एलसीएम तक ही देखते हैं, आप किसी भी चीज़ का एलसीएम निकाल के देखना, डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एससीएफ देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगर आप पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।